साइंस जमात हफ्तों सबक छः तबई मकदारों की पैमाइश। इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। सवाल नंबर एक, ज़ैल के सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। अलिफ, हर सयारे पर एक ही चीज़ का वज़न मुख्तलिफ क्यों होता है? जवाब, पहला पॉइंट, किसी शय की कमियत पर अमल करने वाली सकली कुव्वत को उस शय का वज़न कहते हैं। दूसरा पॉइंट, किसी शय को ज़मीन जिस सकली कुव्वत के ज़रिए अपने मरकज की जानिब कशिश करती है उसे ज़मीन पर उस शय का वज़न कहते हैं। तीसरा पॉइंट, हर सैारे की सकली कुव्वत ज़मीन की सकली कुव्वत से मुख्तलिफ और अलाहदा होती है, इसी वजह से हर सैारे पर एक चीज़ का वज़न मुख्तलिफ होता है। बे, रोज़मर्रा ज़िंदगी में सही पैमाइश के लिए आप किस बात का ख्याल रखेंगे? जवाब, रोज़मर्रा ज़िंदगी में सही पैमाइश के लिए मंदरजा ज़ेल बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट, किसी भी शय की पैमाइश के लिए मुनासिब पैमाइशी आले का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, इस आले को मुनासिब सही तरीके से भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट, आपके ज़रिए हासिल की गई शय की पैमाइश मेयारी नाप और मुनासिब तरीके से की गई है या नहीं, इसकी जांच कर लीजिए। चौथा पॉइंट, दुकानदार और सब्ज़ी फरोश वगैरह किस किस्म के तराजू का इस्तेमाल करते हैं? तराजू पर महकमे वज़न नाप की मुहर लगी हुई है या नहीं? क्या तराजू एक जगह कायम है? क्या उसका काटा सीधा और मुनासिब मकाम पर है? तराजू के पलड़ों की निचली सतह कैसी है? इन तमाम बातों का ख़रीदारी करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। पांचवा पॉइंट, इस्तेमाल किए जाने वाली औजान तस्दीक शुदा है या नहीं? क्या दुकानदार वज़न की जगह पत्थर का तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है? इन तमाम बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। छठा पॉइंट, तराजू के पलड़ों की निचली सतह की भी जांच करना ज़रूरी है। वज़न सिर्फ धातु के बने होने चाहिए। जीम, कमियत और वज़न में क्या फ़र्क है? इसके लिए दो कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में कमियत, दूसरे कॉलम में वज़न। पहले कॉलम में पहला पॉइंट, अशिया में मादे की मकदार को कमियत कहते हैं। दूसरे कॉलम में पहला पॉइंट, किसी शय पर अमल करने वाली सकली कुव्वत को उस शय का वज़न कहते हैं। पहले कॉलम में दूसरा पॉइंट, कमियत गैर सिमती मकदार है। दूसरे कॉलम में दूसरा पॉइंट, वज़न सिमती मकदार है। पहले कॉलम में तीसरा पॉइंट, किसी भी शय की कमियत हर जगह मुस्तकिल रहती है। दूसरे कॉलम में तीसरा पॉइंट, किसी भी शय का वज़न मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ होता है। पहले कॉलम में चौथा पॉइंट, कमियत की इकाई ग्राम या किलोग्राम है। दूसरे कॉलम में चौथा पॉइंट, वज़न की इकाई न्यूटन है। सवाल नंबर दो, बताइए मैं किस के साथ जोड़ी बनाऊं? ये सुतून अलिफ और बे है, इसमें जोड़ियां लगाना है। सबसे पहला है अलिफ, रफ्तार, रफ्तार का जवाब होगा मीटर फी सेकेंड। बे, रकबा, रकबा का है मुरब्बा मीटर। जीम, हजम, हजम का जवाब है लीटर। दाल, कमियत, कमियत का है किलोग्राम। और हे, कसापत, कसापत का है किलोग्राम फी मकअ मीटर। सवाल नंबर तीन, मिसालों के ज़रिए वजाहत कीजिए। अलिफ, गैर सिमती मकदार। जवाब, गैर सिमती मकदार को सिर्फ उसकी कदर या कीमत के ज़रिए जाहिर किया जाता है, मसलन लंबाई चौड़ाई रकबा कमियत दर्जे हरारत कसापत वक्त काम वगैरह जैसी मकदारों को जाहिर करने के लिए सिर्फ कदर और इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। इन मकदारों में सिमत का दखल नहीं होता। बे, सिमती मकदार। जवाब,
सिमटी मकदार को जाहिर करने के लिए कदर और सिमत दोनों ज़रूरी हैं। मसलन हटाव रफ्तार सिमती मकदारें हैं। मिसालें, पहला पॉइंट, पहला नंबर है शुमाल की जानब 20 किलोमीटर हटाओ, दूसरा मशरिक की जानब 20 किलोमीटर हटाओ, इन दोनों में फ़र्क है। बयान दो में हटाओ की सिम अलहदा है। दूसरा पॉइंट, पहला नंबर आसमान में जुनूब की तरफ 500 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला जहाज़, दूसरा नंबर आसमान में शुमाल की जानिब 500 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला जहाज़, इन दोनों बयान में फ़र्क है। दोनों बयान में रफ्तार वही है, लेकिन बयान दो में रफ्तार की सिमत अलग है। सवाल नंबर चार, पैमाइश में होने वाली गलतियां मिसालों के ज़रिए समझाइए। जवाब, पैमाइश के दौरान होने वाली अहम गलतियां हसब ज़ेल हैं। अलिफ, मुनासिब आलात का इस्तेमाल ना करना, पहला पॉइंट। बाज़ औक़ात दुकानदार और सब्ज़ी फरोश मंजूर शुदा औजान का इस्तेमाल नहीं करते, वज़न की जगह पत्थर या उससे मिलते जुलते औजान इस्तेमाल करते हैं। इस तरह वज़न में कमी करके ग्राहकों के साथ धोखा दही करते हैं। दूसरा पॉइंट, कभी कभी तराजू ठीक तरह से काम नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट, गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरवाते वक्त इंडिकेटर पर मुनासिब तरह से ध्यान नहीं दिया जाता है, कभी कभी इंडिकेटर में खामी भी होती है। बे, आलात का सही तरीके से इस्तेमाल ना करना, पहला पॉइंट। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पैमाइशी आलात यानी तराजू, स्प्रिंग तराजू, नाप पट्टी, पैमाइशी टेप, मुख्तलिफ़ किस्म के औजान, दूध नापने का लीटर वगैरह का मुनासिब और सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। दूसरा पॉइंट, कभी कभी वज़न करते वक्त तराजू के पलड़े में हेरा फेरी की जाती है। तीसरा पॉइंट, थान से कपड़े की पैमाइश करते वक्त सही तरीके से पैमाइश नहीं की जाती। ग्राहकों को ख़ास तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उनके साथ किसी किस्म की धोखाबाजी तो नहीं हो रही है। सवाल नंबर पाँच, वजूहात बताइए। अलिफ, जिस्मानी आज़ा का इस्तेमाल करके पैमाइश करना मुनासिब नहीं। जवाब, हर शख्स की जिस्मानी आज़ा की लंबाई मुख्तलिफ होती है, किसी का बालिश लंबा और किसी का छोटा होता है, यानी उनमें किसी किस्म की यकसानियत नहीं होती। इसलिए जिस्मानी हिस्सों का इस्तेमाल करके किसी शय की पैमाइश करना मुनासिब नहीं। बे, मुकर्ररा वक्फे के बाद वज़न और पैमाइशी आलात की तस्दीक करवाना ज़रूरी है। जवाब, लगातार इस्तेमाल से वज़न और पैमाइशी आलात का मियारपन कम हो जाता है, औजान की कदर में कमी होती है। पैमाइश के वक्त ग्राहकों के साथ किसी किस्म की धोखादही ना हो, इसलिए वक्फे से वज़न और पैमाइशी आलात की जांच और उनकी तस्दीक करना ज़रूरी है। सवाल नंबर छः, सही पैमाइश की ज़रूरत और उसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आलात कौन से हैं, वाज़े कीजिए। जवाब, सही पैमाइश का इन्हिसार मंदरजा ज़ेल नुकात पर है। पहला पॉइंट, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसी तरह साइंसी तहकीकात के दौरान किसी भी शय का वज़न बिल्कुल सही होना चाहिए, वरना उससे ख़राब नतायज का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट, कीमती खसूसी अहमियत के हामिल और क़लील मकदार में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की पैमाइश नहायत एहतियात और बिल्कुल सही की जानी चाहिए। मसलन सोना हीरे जवाहरात की पैमाइश बहुत ही एहतियात के साथ और बिल्कुल सही करने चाहिए। तीसरा पॉइंट, पैमाइश के लिए काबिल तरीन आले का इस्तेमाल करना चाहिए। टेक्नोलॉजी में तरक्की के बाइस फासला कमियत वक्त दर्जहरात वगैरह मकदारों की अक्ल तरीन पैमाइश भी सही सही करने वाले आलात अब दस्तयाब हो गए हैं। चौथा पॉइंट, जिस्मानी दर्जे हरारत की पैमाइश बिल्कुल सही नापने के लिए अब डिजिटल तरीके मंजर आम पर आ गए हैं। पांचवा पॉइंट,
ओलंपिक खेलों के मुकाबलों में खिलाड़ी की दौड़ के बारीक तरीन फ़र्क और वक्त की पैमाइश के लिए अब ख़ास डिजिटल आलात का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इस तरह आपको आगे की तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।